कलम टॉप के सौरभ द्विवेदी आज अपना माफीनामा लेकर सामने आ गए। अपने चेहरे से नकाब उतर जाने से परेशान दिखे, नीच और घटिया शब्दों के इस्तेमाल को अपने पूर्व का अवतार बताया और अतीत को भूलकर वर्तमान को देखने की बात कही। और माफी ऐसे मांग रहे थे जैसे मानो वो माफी मांगकर एहसान कर रहे हो। शब्दों का जाल बुनकर अपने ही घिनौने अतीत को उजागर करने वालों को एजेंडाबाज बता रहे थे, लेकिन हकीकत ये है कि ये सब बोलते समय उनके शब्द नहीं निकल रहे थे, जुबान लटपटा रही थी, क्योंकि संघी विचारों के साथ जितनी समाजवादी बातें और सेक्युलर चोले में बेचारे आज तक घूमते नजर आ रहे थे वो सब अब बेनकाब हो चुका है। नमस्कार आदाब, आप देख रहे खबर अड्डा और आपके साथ मैं हूँ सुम्बुली रम। पत्रकारिता की जगह सत्ता की गुलामी और चरण चुंबन को ही पत्रकार समझने वाले गोदी मीडिया के पत्रकारों की हम शुरू से ही पोल खोलते आए हैं, लेकिन अभी पिछले कुछ वीडियो से जिस प्रकार पर खबर अड्डा की सबसे ज्यादा नजर है वो है ललन टॉप के संपादक सौरभ द्विवेदी। क्योंकि जिस व्यक्ति का काम नफरत फैलाना हो, विपक्षी नेताओं को गाली देनी हो, महिलाओं के अंडरगार्मेंट्स पर भद्दे कमेंट्स करने हो, वो अगर कहे कि उसने अब ये सब छोड़ दिया है और ये सारी चीजें उसके अतीत का अवतार हैं, तो इसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। क्योंकि द्विवेदी जी के ही ग्रुप में एक ऐसा शख्स आया है जो फिरौती लेने के आरोप में तिहाड़ जेल की हवा खा चुका है। अगर वो तिहाड़ी आज माफी मांगते हुए एक वीडियो बनाए कि फिरौती लेना और तिहाड़ जाना उसके अतीत का अवतार है, बल्कि अब वो आज तक में आकर एक निष्पक्ष पत्रकार बन गया है, तो क्या आप सुधीर चौधरी पर भरोसा कर लेंगे? ठीक वही हाल है ललन टॉप के मुखिया का। सौरभ द्विवेदी जिस बात को अतीत का अवतार बता रहे हैं वो अतीत का अवतार नहीं बल्कि वर्तमान की हकीकत है। भले उस हकीकत पर सौरभ द्विवेदी ने समाजवाद और सेक्युलर होने का नकाब लगा लिया है, अब आपके जहन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर भाषाई मर्यादाओं को लांघने वाले द्विवेदी जी को आज नकाब की जरूरत क्यों पड़ गई? तो उसका सीधा और स्पष्ट जवाब है ललन टॉप का इंडिया टुडे ग्रुप का हिस्सा होना। और उसी ग्रुप का हिस्सा है आज तक, जिसमें अंजना जैसी एंकर आज तक के सर्वश्रेष्ठ होने का डंका पीटती हैं, और उसी तक में ब्लैक एंड व्हाइट करने वाले तिहाड़ी पत्रकार भी हैं जो खुलेआम नफरत फैलाते हैं और मुसलमानों के गरबा में शामिल होने पर सवाल उठाते हैं, इस देश की एकता अखंडता को तार तार करने की कोशिश करते हैं और देश को हिंदू मुसलमान के नाम पर जहर का पुड़िया बनाकर बांटते हैं। मतलब जो काम संपादक साहब 2014, 15 और 16 में करते थे वही काम आज भी उनके ग्रुप के लोग खुलेआम कर रहे हैं। ऐसे में इंडिया टुडे ग्रुप को लगा कि डिजिटल मीडिया के दौर में लोगों को एक नया विकल्प दिया जाए, क्योंकि जिस तरह से उनके टीवी चैनलों ने नेताओं की चरण चुंबन करनी शुरू कर दी, पत्रकारिता को पाताल लोक में पहुंचा दिया, तब इंडिया टुडे ग्रुप को लगा एक नया प्लेटफॉर्म बनाया जाए और उनके चैनलों के गोदी मीडिया बन जाने से जिन लोगों का विश्वास खोया है उसी विश्वास को वापस लाया जाए, मतलब टीआरपी की नई दुकान सजाई जाए। फिर क्या था, इंडिया टुडे ने शुरुआत की डिजिटल प्लेटफॉर्म ललन टॉप की और उन्हीं कुंठित मानसिकता के लोगों के ऊपर समाजवादी और सेक्युलर होने का नकाब लगाकर ललन टॉप को जिम्मेदारी सौंप दी। तो वर्तमान में संपादक साहब जिस निष्पक्षता की बात करते हैं, बल्कि वो निष्पक्षता उनके ग्रुप की मजबूरी है, और जिस चीज को वो अपने अतीत का अवतार बता रहे हैं दरअसल वही उनकी हकीकत है। वरना आप खुद सोचिए, ये संपादक जी कभी अपने ही आज तक के पत्रकारों के नफरती पत्रकारिता पर क्यों कुछ नहीं बोल पाए, जब आज तक पर चलाया गया जन्मभूमि हमारी, राम हमारे, तो मस्जिद वाले कहां से पधारे। वहीं अभी हाल फिलहाल में ब्लैक एंड व्हाइट करने वाले तिहाड़ी संपादक ने चलाया कि हिंदुओं के गरबा में मुसलमानों का क्या काम। तब सेक्युलरिज्म का चोला ओढ़े और निष्पक्षता का नकाब लगाए ललन टॉप वाले संपादक ने इस पर अपनी जुबान क्यों नहीं खोली? और सौरभ द्विवेदी की ही माने तो वो अपने ट्वीट के जरिए मौज ले रहे थे, तो आखिर क्या वजह है कि उन्होंने अपने मौज के लिए राहुल गांधी को पप्पू बताया, अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव पर ओछी टिप्पणी की और संजय सिंह के साथ घटिया भाषा का इस्तेमाल किया? अगर वाकई वो मौज ले रहे थे तो क्या कभी उन्होंने पीएम मोदी को फेकू बताया, गृह मंत्री पर तड़ी पार होने का आरोप लगाया? खबर अड्डा ये साफ करता है कि हम ना तो पप्पू जैसे शब्दों का समर्थन करते हैं और ना ही फेकू जैसे शब्दों का बचाव करते हैं, बल्कि दोनों ही गलत शब्द हैं। सौरभ द्विवेदी अपनी माफी वाले वीडियो में कहते हैं कि उनके खिलाफ एजेंडा चलाया गया, उनकी छवि को टारगेट किया गया,
तो क्या किसी की कही हुई बात उसे वापस बताना, किसी के चेहरे से भक्ति का नकाब उतारना अगर एजेंडा है तो खबर अड्डा को फक्र है कि वो ऐसा एजेंडा चलाता रहेगा। लेकिन एक बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हम आपके ऊपर व्यक्तिगत लालछन नहीं लगाएंगे, आपके फैलाए हुए रायते को बेनकाब करेंगे, नफरती एंकरों पे आपकी चुप्पी पर सवाल उठाएंगे, और ये सब अगर एजेंडा है तो हमें फक्र है। और हाँ, एक और जरूरी बात कि जिस तरह से सौरभ द्विवेदी ने माफी मांगी और खुद शर्मिंदा होने की बात की वो भी प्रशंसनीय है, लेकिन यही बात करते समय सौरभ द्विवेदी ने ललन टॉप को निष्पक्ष होने का सर्टिफिकेट दे दिया। अगर वाकई ललन टॉप निष्पक्ष होता तो वो राहुल गांधी की मीम बनाकर अपलोड नहीं करता और बाद में डिलीट करके नहीं भागता। जहां तक बात है सौरभ द्विवेदी की पढ़ाई की, तो हम आपके आरएसएस के स्कूल में पढ़ने पर कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि अगर इन स्कूलों में ऐसी भाषा पढ़ाई जाती है जैसी 2014-15 में आपकी भाषा थी तो वो चिंतनीय है। और अंत में हम इतना ही कहेंगे कि अगर आप वाकई निष्पक्ष हैं तो कभी बैठकर द ललन टॉप शो में या फिर नेता नगरी में कभी आज तक पर बैठकर नफरत फैलाने वाले पत्रकारों, सरकार की चापलूसी करने वाले एंकरों पर आप जरूर बोलेंगे। हो सके तो खबर अड्डा की इन बातों को चुनौती के तौर पर लीजिएगा। ऐसे में आपको क्या लगता है कि संपादक साहब के चेहरे पर समाजवाद और सेक्युलरिज्म का नकाब लगा हुआ है? इस पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और हमारे फ्री जर्नलिज्म को आपके सपोर्ट की जरूरत है, वो तभी होगा जब आप जितना ज्यादा थैंक्स के बटन का इस्तेमाल करेंगे और इससे हमारी हौसला अफजाई करेंगे। साथ ही अगर अब तक आपने हमारे चैनल खबर अड्डा को YouTube पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी फौरन सब्सक्राइब कर लें।